कल्मिनेटिंग पॉइंट है श्रमिकों का, उस राज्य से भी परमिशन लेना पड़ेगा। आप उदाहरणार्थ अगर श्रमिक महाराष्ट्र से निकल करके बंगाल जाना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां से ट्रेन निकलने के लिए, और बंगाल के सरकार की भी परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी वहां ट्रेन को रिसीव करने के लिए। आपको आज बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि लगभग ओरिजिनेटिंग जो परमिशन होता है, ओरिजिनेटिंग स्टेट का, ओरिजिनेटिंग स्टेट्स तो परमिशन दे रहे हैं किंतु रिसीव करने वाले स्टेट्स, बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मैं उदाहरण दूंगा, अभी संख्या के साथ दूंगा, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं और वो राजनीति भी कर रहे हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कितने कितने संख्या में ये परमिशन दिया है श्रमिकों के ट्रेन को लाने के लिए, मैं इसका आंकड़ा रख रहा हूं। उत्तर प्रदेश बधाई का पात्र है, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 487 ट्रेन्स को परमिशन दिया है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए। तो जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न राज्यों में, आज वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर पा रहे हैं क्योंकि योगी सरकार ने 487, लगभग 490 ट्रेन ऐसे हैं जिनको परमिशन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। ठीक उसी प्रकार नीतीश कुमार भी बधाई के पात्र हैं क्योंकि बिहार की सरकार ने 254 ऐसे हैं जो बिहार में, जो श्रमिक बिहार के जो श्रमिक अन्य राज्यों में थे उनके ट्रेन्स को परमिशन दिया है बिहार में एंटर करने के लिए। ठीक इसके विपरीत आप ममता बनर्जी की सच्चाई को देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल ने अभी मात्र 9 ट्रेन, आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, मात्र 9 ट्रेन को इजाजत दी है, परमिशन दी है वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के लिए। कहां तो उत्तर प्रदेश में 487, कहां बिहार में 254 और वेस्ट बंगाल के कई श्रमिक अन्य राज्यों में, मगर केवल 9 ट्रेनों को अभी तक परमिशन दिया गया है। ठीक उसी प्रकार कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ के भी परिश्रमी छत्तीसगढ़ी भाई बहन हमारे कई राज्यों में कार्यरत हैं श्रमिक के रूप में, बहुत बड़ी तादाद में वो छत्तीसगढ़ पहुंचना चाहते हैं किंतु कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ राज्य ने मात्र 10 ट्रेनों को अभी तक परमिशन दिया है अपने 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 राज्य में प्रवेश करने का। तो छत्तीसगढ़ के लोग अन्य जगह पे बहुत परेशान हो रहे हैं। ठीक उसी प्रकार आप देखिएगा कि झारखंड, जहां एक मिलित सरकार है और कांग्रेस भी उसमें सपोर्ट कर रही है, झारखंड में मात्र, बहुत सारे हमारे झारखंड के मेहनतकश लोग जो श्रमिक हैं वो पूरे हिंदुस्तान में, बिहार और झारखंड के अधिकांश लोग हैं, यूपी बिहार और झारखंड के, किंतु मात्र 48 ट्रेन्स झारखंड में प्रवेश करने का झारखंड सरकार ने अभी तक परमिशन दिया है। यह दिखाता है कि किस प्रकार का एक वैमनस्य अपने ही लोगों के लिए अपने ही राज्य की सरकार कर रही है। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा की तरफ से, आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय ममता बनर्जी, आप इस पूरे विषय को लेकर, आपके प्रवक्ता आपके नेता प्रखरता के साथ राजनीति कर रहे हैं, इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इतनी बाइट कर रहे हैं किंतु परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जो राज्य सरकारें हैं वो अपने श्रमिकों को लाने की ट्रेन्स की, जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी परमिशन क्यों नहीं दे रहे? एमएचए द्वारा चिट्ठी लिखे जाने के बावजूद, पीयूष गोयल रेल मंत्री के फोन करने के बावजूद, वहां से चिट्ठी जाने के बावजूद, उसके बावजूद भी ममता सरकार एक तरह से इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही और सोनिया जी भी इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही। दुखद है कि जो तस्वीर आज हम सड़कों पर श्रमिकों की देख रहे हैं वो इसी का नतीजा है। आज राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख के गृह सचिव ने भी कहा था कि श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक श्रमिकों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार उनके लिए बंदोबस्त करे, उनके लिए सही तरीका अपनाए, शेल्टर होम में रखे, शेल्टर होम में उन्हें भोजन कराए, जलपान पानी इत्यादि की व्यवस्था करे। ये सारा केंद्र सरकार ने खर्चा उठाया हुआ है, सारा पैसा केंद्र सरकार ने SDRF के माध्यम से राज्य सरकारों को दिया हुआ है ताकि शेल्टर होम में ये लोग रह सके, श्रमिक बंधु माइग्रेंट लेबर्स, और फिर ये श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तक सुरक्षित पहुंचाए जा सके। आज बेचारे श्रमिक पैदल चल रहे हैं, आज बेचारे श्रमिकों के पांव में छाले हैं। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ममता बनर्जी और सोनिया गांधी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं कि उनकी उनके शासित राज्यों में किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किए गए हैं और उनके राज्यों में परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए। बंधुगण,
आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, इट विल नॉट बी आई वुड से रॉन्ग टू से टुडे दैट दीज स्टेट्स सर्टन स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड सम कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स डिसओन देयर ओन माइग्रेंट लेबर्स. आज कुछ राज्यों ने अपने ही माइग्रेंट लेबर्स को, अपने श्रमिकों को एक तरह से पराया कर दिया है, उनसे हाथ खींच लिया है. आपको जान के आश्चर्य होगा कि जहां तक टीएमसी है वह इसमें भी एक कम्युनल एंगल देख रही है श्रमिकों को लाने में. अजमेर दरगाह से ट्रेन करके वहां से श्रमिकों को ले आती है. जो बंगाल के लोग अजमेर दरगाह में फंसे थे वहां से तत्कालीन परमिशन देके ट्रेन करके अजमेर दरगाह से लोगों को ले आती है. किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती है. और सबसे बड़ा उदाहरण है कि बंगाल के सर्वाधिक श्रमिक किसी राज्य में पूरे हिंदुस्तान में है तो वो महाराष्ट्र में. मगर आपको जान के आश्चर्य होगा महाराष्ट्र से बंगाल ने अभी तक एक भी ट्रेन चलने की अनुमति नहीं दी है. जिसका नतीजा हम बांद्रा में, जिसका नतीजा हम महाराष्ट्र के कई सड़कों पर आज हम देख रहे हैं. इसका जवाब कौन देगा? ममता बनर्जी जी को तुरंत प्रेस के सामने आकर ना केवल बंगालियों से पूरे हिंदुस्तान में क्षमा मांगनी चाहिए अपितु इस प्रकार के एक कम्युनल कलर से ये जो रिलीफ पहुंचाने की वो प्रयत्न कर रही है उस पर भी जवाब देना चाहिए. अजमेर दरगाह के लोगों को लाया गया, कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी लाना चाहिए. उत्तराखंड में भी फंसे हुए बंगालियों को लेकर आना चाहिए, यह भी ममता बनर्जी का ही दायित्व है. बंधुगण, बंगाल कोई साधारण राज्य नहीं है. What Bengal thinks today, India thinks tomorrow. ये कभी बंगाल के लिए कहा गया 1971 में और उससे पहले 1947 में बंगाल ने बहुत बड़ा एग्जोडस और एक बहुत बड़ा माइग्रेशन देखा था. आप जानते हैं क्यों देखा था? पार्टीशन के कारण और युद्ध के कारण, बांग्लादेश के बनने के कारण. बंगाल ने बहुत कुछ सहा है और आज भी ममता बनर्जी के निर्मम एटीट्यूड के कारण, उनकी निर्मम मनोवृत्ति के कारण पूरे हिंदुस्तान में बंगाल के जो श्रमिक हैं वो बहुत कुछ सह रहे हैं. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो श्रमिकों को लेकर सेंसिटिव हो. केंद्र सरकार ने हर प्रकार से राज्य सरकार को जो सहूलियत देना चाहिए श्रमिकों के लिए, शेल्टर होम, 3 वक्त का भोजन, प्रत्येक भोजन 100 रुपये की है, ये कल निर्मला सीतारमण जी ने खुद कहा. उनके राशन के लिए पहले 3 महीने का किया गया था, वो 2 महीने के लिए एक्सटेंड करना, ये सारी व्यवस्था केंद्र सरकार ने किया. हर बात पे राजनीति ना करिए. जो श्रमिक हैं वो हमारी आत्मा है, हिंदुस्तान की आत्मा है. आत्मा के ऊपर इस प्रकार कुठाराघात करके राजनीति करने की कोशिश जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये उचित नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद. आज इतना.